बेटे, अलार्म लगाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और सो लेते। विनोद और अशोक के हॉस्टल जाने का टाइम हो गया है ना माँ। अरे उन्हें तो मैं तैयार कर दूंगी, तू और थोड़ी देर सो ले। देखो माँ, आपको इतना सारा काम करना है, मुझे मालूम है आज आपको ये सारे कपड़े सीकर देने हैं। मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए। चाय गरम, चाय पियो भैया, ये लो। थैंक यू। चाय लो। थैंक यू। तुम हमें म्यूजिक सुनाकर क्यों उठाते हो? डैडी कहते थे कि बादशाह अकबर को तानसेन संगीत सुनाकर जगाता था, मैं तो रेडियो सुनाकर जगाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब यहाँ ना कोई अकबर है और ना ही ये तानसेन। तुम दोनों जल्दी चाय पीकर तैयार हो जाओ, ठीक 7 बजे रिक्शा आ रही है, समझे? ओके मम्मी। भोपो 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 महाराज आ गए, बच्चे लोग रिक्शा आ गया, चलो फटाफट। लीजिए अंकल चाय। अरे वाह, इतने जल्दी तो मंदिर में भी प्रसाद नहीं मिलता और यहाँ चाय फटाफट। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी, आप सचमुच नसीब वाली हैं जो इतना अच्छा बेटा मिला। नसीब वाला तो मैं हूँ जिसे इतनी अच्छी माँ मिली है। अरे वाह, माँ तैयार हो गए, चल नाश्ता कर लो। बेटा चाय बहुत अच्छी थी, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं इनका सामान बैग में भरने जा रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। अरे पहले नाश्ता तो कर ले, मैं नाश्ता बाद में कर लूंगा। तू जरूर पिछले जन्म में इनकी माँ रहा होगा। तुम्हारे डैडी की बड़ी इच्छा थी कि तुम दोनों पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बनो। डैडी को प्रणाम करो। और सर झुकाओ। ये क्या शीला? अरे तुम जा गई शीला? मैं सोई कहाँ थी, मैं तो जागी हुई थी। चलो चलो अब डरो मत, देर हो रही, चलो। देखो भैया इनको संभाल कर ले जाना और हॉस्टल के अंदर तक पहुँचा। आप चिंता ना करें, मैं इनको कमरे के अंदर तक पहुँचा के आऊंगा। तुम लोग पढ़ाई करना, ज्यादा सोना मत। चलो बच्चे, चलो चलो बैठो बैठो बैठो, चलो बेटा आ जाओ आ जाओ। माँ पहले चाय पी लो। तुम भी तो पी लो। नहीं माँ, मैं जाने का टाइम हो गया है, सुबह उठते ही लोगों को अखबार में जाना चाहिए ना। और माँ मैं अखबार की 200 कॉपियाँ बेच लेता हूँ। अच्छा माँ, तुम दोपहर को बाजार मत जाना, मैं उधर से सब्जी लेता आऊंगा। और शाम को जब मैं गैरेज में काम करने जाऊंगा ना, तो उधर से दाल चावल लेकर आऊंगा। अरे हाँ माँ, ये कल के 8 रुपए, ये लो। माँ तुम रो रही हो, क्यों रोने लगी तुम, बोलो ना। तू ना होता तो न जाने ये घर में कैसे चलाती। शारदा, शारदा, कौन है ये? हमारी कंपनी में चपरासी है ना रामू, ये उसी का बेटा है। रामू और उसकी बीवी दोनों मकान की छत के नीचे दबकर यह अनाथ हो गया बेचारा, कोई नहीं इसका। कंपनी के मालिक ने कहा इसे अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ा, तो मैं इसे वहीं ले जा रहा था, सोचा तुमसे भी मिलता जाऊं। मुझे अनाथ आश्रम मत भेजो, मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता।
अजीब बाप है। लोगों ने कहा कि इसे अनाथाश्रम ले जाओ तो तुमने उसे वहीं पहुंचाने लगे। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, एक और खा भी लेगा तो क्या बता जाएगी, यही रहेगा। भाई अब तुम कहती हो तो इसे यहीं रख लेते। ओह, जैसे सचमुच तुम इसे अनाथाश्रम ले जाते, इसीलिए मुझसे मिलने आए ना। शारा, दरअसल मैं भी यही चाहता था। अब हम ये कहेंगे हमारे 2 नहीं 3 बेटे हैं। इन्होंने तुझे यहाँ लाकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया। डैडी का उपकार मुझ पर है माँ, अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते तो मेरा क्या होता? क्या होता, जितनी मेहनत तू करता है उस कमाई से तू कहीं भी रह लेता, आराम से खा पी लेता। लेकिन मैं माँ किसको कहता? माँ, मेरा राजा। शारदा बहन घर में है? आइए इकबाल भाई, अंदर आइए। सलाम इकबाल भाई। जीती रहो। कैसी हो बहन, सब खैरियत से तो है? हाँ, ये लीजिए, आप मेरे कपड़े लिए थे वो सब तैयार है, बाकी के कल हो जाएंगे। क्या सोच रहे हैं? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सारे कपड़े तैयार हो जाएंगे। लगता है मशीन चलाते चलाते तुम खुद भी एक मशीन हो गई हो। पता नहीं मैं क्या बन गई हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कपड़ों के साथ साथ मैं अपने उन सपनों को भी जोड़ती रहती हूँ जो टूट गए हैं, बिखर गए। लेकिन अब नहीं बिखरेंगे। हाँ, तुम्हारी मेहनत का धागा इन्हें बिखरने नहीं देगा। और फिर शंकर भैया की नेकी तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारे रुपए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो। मम्मी, मम्मी, हम दोनों पास हो गए। अच्छा, और ऐसे ऐसे नहीं, ये दोनों फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। शाबाश। और तू? मैं भी फर्स्ट क्लास से पास हुई हूँ। मम्मी, मैं कहता था ना कि शीला भी पढ़ने में तेज है। और तेरा क्या हुआ? मैं भी पास हो गया मगर थर्ड क्लास से। तो क्या हुआ, इसका थर्ड क्लास फर्स्ट और सेकंड से भी अच्छा है। अब तुम लोग जाओ, अपने डैडी से आशीर्वाद लो कि तुम सबको जीवन की हर परीक्षा में सफलता मिले। जाओ।
ये क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। आज अगर वो हमारे पीछे होते तो कितने खुश होते। ये तो सच है माँ, पिताजी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो सच है कि तुमने उनकी कमी कभी हमें महसूस नहीं होने दी। देखो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज तुम्हारे इस बेटे का गैरेज खूब चल निकला है। सारे घर का बोझ मैं खुद अकेला उठा सकता हूँ, इसलिए अब तुम्हें ये मशीन चलाने की कोई जरूरत नहीं। एकदम करेक्ट। वकालत का इम्तिहान तो मैंने दे ही दिया है, अब रिजल्ट आते ही मैं भी कमाने लगूंगा। और मैं भी अशोक भैया से सिर्फ एक ही साल पीछे हूँ, अगले साल से मेरी कमाई भी शुरू। इन सब बातों का क्लाइमैक्स ये है कि अब आप काम नहीं करेंगे। अरे काम भी करूंगी तो क्या करूंगी? मैं मशीन चलाना कैसे छोड़ सकती? इसकी आवाज तो मेरे लिए संगीत बन चुकी है। इसकी सुई से मैंने सिर्फ कपड़े ही नहीं अपने सपनों को जोड़ा है। तुम लोग कहते हो तो मशीन चलाना छोड़ दूंगी, लेकिन तब जब अशोक कमाने लग जाए। सच में? अरे इसका मतलब अर्जी मंजूर, और इस खुशी में जिसको भी लिफ्ट चाहिए फौरन तैयार हो जाओ, मेरी सवारी गैरेज जा रही है। I'll get my books. Wait for me. और भैया मैं? तुम बस में चली जाओ। क्यों क्यों मैं बस में क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 3 जन बैठते हैं ना। अच्छा ठीक है, कम से कम किराया तो दो। बस का नहीं, टैक्सी का किराया। ये हुई ना बात। थैंक यू। हाँ माँ, बाकी के पैसे तू रख ले। अरे कुछ तू भी तो रख। तू मेरी फिक्र मत कर, गैरेज पहुँचते ही मेरी जेब भर जाएगी। आज सुबह एक गाड़ी की डिलीवरी देनी है। अच्छा। अरे भाई जबकि मेरी गाड़ी रेडी है तो उसकी डिलीवरी क्यों नहीं देते? पर मैडम डिलीवरी देने का काम हमारे साहब का है। अगर तुम्हारा साहब शाम तक नहीं आया तो क्या मैं उसका वेट करते रहूंगी? देखो मुझे अर्जेंट खंडाला जाना है। ये लो 300 रुपए थे ना जी। रखो। पर मैडम अभी टेस्ट होना बाकी है गाड़ी का। शट अप। यस बॉस। लल्लू यहाँ जो गाड़ी थी कहाँ गई? अरे वो मोना भाई थी, जबरदस्ती ले गई भाई। लेकिन उसके पहियों की रगबोल टाइट करना बाकी रह गए थे। कहाँ गई वो? कह रही थी अर्जेंट खंडाला जाना है। बाप रे मर गए। लगी तो नहीं? छोड़ो। छोड़ तो नहीं। बच गई उस्ताद। तकदीर अच्छी थी। किसकी? अपनी है इसकी। क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब चार भूखे भेड़ियों के बीच में एक भेड़ फंस जाए तो मतलब बताने की जरूरत पड़ती है। Thank you.
अब आप ये कहेंगी कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं। नहीं? अच्छा तो फिर आप ये कहेंगी कि आज मेरी बेवकूफी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। जी। तो फिर आप ये जरूर कहेंगी कि मेरी वजह से आपके सर पर जो चोट लगी है उसके लिए आई एम वेरी वेरी। मैं आपसे ये कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा ताकि आपकी इस चोट की मरहम पट्टी हो सके। चलना तो आपको मेरे साथ पड़ेगा है? मेरी मोटरसाइकिल पर। अब आप आएंगी? आ रही हूँ। बड़ी साईं, हमारी तकरीर का सारा तस्वीर दिखाओ नी। नो इफ एंड नो बट, एकदम क्लियर कट साफ साफ बताओ नी। सो डैडी, क्या मुसीबत है? अचानक किस गैराज में आशा ने गाड़ी दी है, अभी तक लेकर नहीं आई। मैंने कितनी बार आपसे कहा एक गाड़ी और लेनी चाहिए, मगर आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। क्यों सुनो? 1,00,000 रुपया ब्याज पे चढ़ाऊंगा तो 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 3,000 रुपया घर में आ जाएगा, और अगर 1,00,000 में एक गाड़ी खरीदूंगा तो 2,000 क्लियर कट आउट। मैं तो पंडित जी ये गाड़ी भी बेचने के चक्कर में हूँ। आपकी जो समझ में आए वो कीजिए। लाइए 100 रुपए दीजिए टैक्सी का, मुझे जू तक जाना है। टैक्सी में क्यों, बस में चली जा, 4 रुपए में आना जाना हो जाएगा। चंचल दास जी, सर जी, ये ले 100 रुपया और छुट्टा करा के 4 रुपया बेबी को दे दे। अरे बिटिया सुनो तो, हम कह रहा सर जी, और बिटिया रानी पैसा ले गई। वो पैसा ले गई तो मैं तेरी तनख्वाह से 95 रुपए काट लूंगा। लेकिन वो तो 50 का नोट था ना। तो मैं तेरी तनख्वाह से 45 रुपया काट लूंगा। पंडित जी, ये दोनों लड़कियां तो मेरे को कंगाल करके छोड़ेंगी, आप देख कर बताओ कि इन दोनों को मैं विदा कब करूंगा, और लाखों का दहेज लेकर मेरी बहू कब आएगी, कब आएगी? बहू आएगी तो बेटा पैदा होगा। ये तो और अच्छी बात है साईं, फिर से लाखों का दहेज अंदर। वो तो बात ही बात है, रेखाएं ये कहती हैं कि उसके पैदा होते ही आप कंगाल हो जाएंगे। कंगाल? अरे नहीं साईं, नहीं, कुछ करो, अब मैं कंगाल नहीं होना चाहता। कराची से 2 इलायची लेकर चढ़ा था, पेट काट कर धन जमा किया, अब मैं क्लियर कट कंगाल नहीं होना चाहता। ये क्या लिख दिया? ये विधाता का लेख है क्लियर कट, इसे कोई नहीं मिटा सकता। राम भला करे आपका। आपके लिए एक फैंटास्टिक न्यूज लाया हूँ। क्या? एक महात्मा जी ने मुझको कहा जल्द ही तुमको बेटा होगा। इस उम्र में चेहरा तो देखो, मुझको डैडी, आपको नहीं। उन्होंने मुझको कहा जब तुमको बेटा होगा तो तुम फौरन करोड़पति बन जाओगे, इसलिए मैं फौरन शादी करूंगा, फौरन बच्चा पैदा करूंगा और फौरन करोड़पति बन जाऊंगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इनको फौरन 2 रुपया देकर रवाना करो। 2 रुपए? शेर जी, 2 रुपए अपने पास ही रखिए, और इन 2 रुपयों की इलायची खरीद कर कराची से वो भी अपने पास रखिए। मैं जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अरे 2 रुपया तो बचे। गंगाराम, क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था कि आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दीजिए। अरे बाबा, तुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है? तू मुझे लड़कियां नहीं, अपनी चिता के लिए लकड़ियां ढूंढने को कह रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो क्लियर कट मार रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ज्योतिषी महाराज आए थे ना, तो कह रहे थे। अरे तुम चुप रहो जी, तुम चुप रहो जी। ये क्लियर कट मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बेटा, ज्योतिषी महाराज ये कह गए कि तू शादी के मंडप पे जैसी दुल्हन के साथ साथ पेड़े लेने लगेगा तो तू रो रहे क्या? हंस रहे हैं? रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। रोना नहीं रहती, रोना नहीं, वैसे तो मरना सबको ही है, पर आपने जितना जीना था जी लिया। मैं अपने मरने की बात नहीं, तेरे मरने की बात कर रहा हूँ, पेड़े लेने के बाद। और फिर तू वैसे मेरा केड़ा पुत्र है? अरे जवानी में मरते वक्त तो वैसे ही बड़ी तकलीफ होती है बेटा। मुझे मरना नहीं है। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं आई, गलती मेरी थी और सजा इनको मिली। नहीं माँ, गलती तो मेरी थी, गाड़ी तैयार करने के बाद पहियों के नट बोल्ट टाइट कर देना चाहिए था मुझे। गैराज वालों ने मुझे काफी रोका, लेकिन मैं जबरदस्ती गाड़ी लेकर चली गई। गलती मेरी ही थी माँ जी, गलती किसी की भी हो, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई, वरना इतने बड़े बाप की बेटी हमारी इस छोटी सी कुटिया में क्यों आती? दौलत से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन दुनिया तो दौलत को ही सब कुछ मानती है। मान लो अगर मेरी इज्जत लुट जाती तो दौलत क्या कर सकती थी? मेरी इज्जत तो वापस नहीं आती ना। मेरी नजर में सबसे बड़ी दौलत तो ये है जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई, इसने तो बहुत तुमको बचाया है। आ,
हाय डैडी, हाय हाय मैं डैडी, आज हमने यमराज को चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा किया चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा ही किया, हमने शादी कर ली। अच्छा शादी कर ली डैडी, अगर हम सात फेरे लेते तो मैं मर ही जाता, इसलिए हमने सात फेरे लिए ही नहीं, हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। यमराज डाल डाल तो मैं पात पात, अब हमें होलसेल में आशीर्वाद दीजिए। हम कह रहे हैं कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा ही नहीं सकता। अरे चुप करो जी, ये किस किस्म की शादी है, ना घोड़ा है ना गाड़ी है ना बाजा है ना बाजी है। ये सब नहीं हुआ तो क्या हुआ डैडी? हमें इतनी अच्छी भाभी तो मिल गई। क्या कह रही है, ये कह रही है? आओ भाभी अंदर चले। अरे भैया तुम भी आओ ना। अरे अंदर किसको ले जा रही है? पाया लगो डैडी। अच्छा ज्यादा नहीं खींचा चंचलदास। हाँ सर जी। अब तो मुझे बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। राम 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 राम, ये आप क्या कर रहे हैं सर जी, इस उम्र में और बच्चा? अरे पगले, अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा, गंगू के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रास्ता बंद, क्लियर कट। क्या? नो पार्किंग। अमर, अमर मेरी गाड़ी फिर से खराब हो गई, चलो ना। तुम्हारी गाड़ी इसी तरह खराब होती रहेगी क्योंकि तुम्हें उंगली करने की बहुत बुरी आदत है। तुम अपने लिए एक ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? गुड आइडिया, लेकिन मुझे ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छा मैकेनिक भी चाहिए, इससे मेरा इंजन भी ठीक रहेगा, है ना? सही कहा। लल्लू तुम मेम साहब के साथ जाओ, देखो इनकी गाड़ी को क्या हुआ और इधर लेके आओ। अरे नहीं सुनो, लल्लू से मेरी गाड़ी ठीक नहीं होगी, तुम चलो ना प्लीज। मेरे पास टाइम नहीं है। चलो ना प्लीज, क्यों इतना भाव गाड़ी हो? मुझे और भी गाड़ियां ठीक करनी है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। प्लीज नहीं आ सकता हूँ मैं। चल गाड़ी चलता चल। तुझे देखा मैंने जब से, तेरे पीछे पड़ी हो तब से, क्या मिलेगा पीछे पड़ के, मर जाएगी नाक रगड़ के, क्या मिलेगा पीछे पड़ के, मर जाएगी नाक रगड़ के, कुछ भी तू कर ले तुझको दिल ना दूंगा मैं दिल जानी, मेरी रानी जा दीवानी, मेरी रानी जा दीवानी। सावन का बादल बुझा दूंगा उसको, मेरे प्यासे दिल में आग सी भड़की है, बताए लड़के को तू कैसी लड़की है। पीछे पड़ के मर जाएगी नाक रगड़ के, क्या मिलेगा पीछे पड़ के, मर जाएगी नाक रगड़ के, कुछ भी तू कर ले तुझको दिल ना दूंगा मैं दिल जानी, मेरी रानी जा दीवानी, मेरी रानी जा दीवानी। धोखे से
सताए क्यों ऐसे, बड़ा बेदर्दी है जलाए क्यों ऐसे, देर हो जाएगी मुझे घर जाने दे, सुहाना मौसम है पास को आने दे, चल छोड़ दे रास्ता मेरा ना कर ऐसे मनमानी। अरे रो मत अले लो मत, सीने से तुझको लगा लो, आंखों में तुझको बसा लो, सीने से तुझको लगा लो, आंखों में तुझको बसा लो, आंसू न बहा तुझको ही दिल दूंगा मैं दिल भर जानी। अमर, और ये मेरी बड़ी बहन रीता। बहन? अजीब इत्तेफाक है, तुम्हारी बड़ी बहन मेरे बड़े भाई के साथ। क्या? इसमें हैरान होने की क्या बात, बड़ी बड़े के साथ छोटी छोटे के साथ। अब चलोगी, लेट देम एंजॉय, एंजॉय योरसेल्फ। सुना नहीं भैया ने क्या कहा? अरे आओ आओ खोटे राम जी, और सीधे ऊपर चले जाओ। हाँ जी। और सुनो, जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, खोटे का कमाल तो देखिए। अरे हम कह रहे हैं सेठ जी, अगर गंगाराम की तबीयत खराब है तो डॉक्टर खरे को बुला लेते, ये कंपाउंडर खोटे को काहे बुला लिया। अरे चंचर दास, खोटे ही खोटा काम करे है। वो पहले गंगाराम को इंजेक्शन देकर बेहोश करेगा और उसके बाद नस कट, क्लियर कट। नहीं बचा कट, और उसके बाद हम क्लियर कट सेफ हो जाएगा। मुबारक हो, मुबारक हो। औकात में रहे, औकात में, हाथ जेब में डाले। आज की रात नया चांद लड़ेगढ़ आई है। डैडी, ये अचानक क्या हो गया उनको, कंपाउंडर उनके कमरे में क्यों गया? अरे चिंता की कोई बात नहीं है साईं, गंगाराम की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, कंपाउंडर खोटे के अंदर जाते ही कट, मेरा मतलब है सब क्लियर कट ठीक हो जाएगा। तू अंदर जा, अंदर जा, फिकर की कोई बात नहीं है, जा नाचो। आज की रात नया चांद लेकर आई है, आंख बड़ आई है, मैं भी तो। ये लो पूरे हजार हैं, मामला समझ गए ना? हाँ, खोटे खोटा काम बहुत जल्दी समझ जाता है। उनसे जाके क्या कहोगे? कि हजार रुपया ले लिया। नस के बारे में कौन बोलेगा, तेरा बाप? नहीं नहीं, कह दूंगा कि नस कट। समझदार हो, बड़े समझदार हो। डॉक्टर खरे का कंपाउंडर हूँ ना, इसलिए खरा खोटा सब समझता हूँ। चल चलो, चल चलो, चल चल। 900 में पटा लिया। मिस्टर ललवानी, बड़ी मैं भी तो सिंधी का बेटा हूँ। रात नया चांद लेकर आई है, आंख बड़ आई है। जी, अरे तू आदमी है कि शैतान है? क्या मतलब? अरे अभी क्या था, अभी आ गया। अरे मामूली सा तो काम था, एक ही झटके में हो गया। मतलब क्लियर कट सफा चट। अरे अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन। माँ जी, आज से मैं कटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे तू तो इतने बड़े घर की लड़की है, कटिंग क्लास ज्वाइन करके क्या करेगी? सिलाई सीखने के लिए। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे अरे सुनो तो, अगर सिलाई सीखनी है तो कटिंग क्लास ज्वाइन क्यों करो, मैं सिखा देती हूँ। अरे यही तो मैं कहना चाहती थी, मुझे आज ही से सिलाई सीखनी है। अरे आगे उठिए ना। अरे भाई क्या हो रहा है, ये खींचतानी क्यों चल रही है? जब देखता हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। भाई ये मैं पीछे पड़ गई है कि इसे सिलाई सिखा दूं। तुम बुरा मत मानना माँ, मगर इसके पीछे पड़ जाने की बहुत बुरी आदत है। तुम घबराते हो क्यों नहीं? माँ माँ माँ, मैं औकात के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ। अच्छा? अरे हाँ भैया, असली बात बताना तो भूल ही गए, आशा के डैडी ने 4,000 रुपए महीने की नौकरी दे दी है। हाँ, अच्छा। अरे तो फिर मिठाई का डब्बा लेके क्यों खड़े हो? ये मुझे दे दो और फौरन माँ के पैरों में झुक जाओ। माँ ये लो माँ। आशा तुम तो नहीं खाओगी ना, वजन कम कर रही हो। एक मिनट, मेरी उंगली।
मिठाई पर तो हमारा भी हक है भाई। हाँ हाँ जा बेटी मुंह मीठा करा दे। आपका हक तो है ही चाचा जान, अगर आप में होते तो माँ को घर बैठे बैठे सिलाई का काम कैसे मिलता, फिर ना जाने काम के लिए उन्हें कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। हाँ भाई साहब आपने हमें बहुत सहारा दिया है। सहारा तो वो देता है बहन, इंसान तो सिर्फ जरिया होता है, जैसे अमर मिठाई खिलाने का जरिया तुम हो। अरे मैं तो भूल ही गया था, माफ करना चाचा जान। चाचा जान माँ ने हमसे एक वादा किया था कि जैसे ही हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ये सिलाई करना बंद कर देंगे, इसलिए आज से आप ये कपड़े नहीं लाएंगे तो बेहतर होगा। जिस दिन पहली बार मैं यह कपड़े लाया था उस दिन दुआ मांगी थी कि ऐ खुदा वो दिन जरूर लाना जब मुझे यहां दोबारा कपड़े न लाने पड़े। चलता हूं। कहां चले चाचा जान? मस्जिद खुदा का शुक्रिया अदा करने। अरे चाचा जान एक खुशखबरी और भी है, सुनिए तो, आशा की बड़ी बहन से अशोक भैया की शादी होने वाली है, कम से कम 5-10 लाख रुपए में तो हाथ साफ कर ही लेंगे। जब नीचे थे तब ऊपर की सोच रहे थे और अब ऊपर हो तो नीचे की सोचने लगे। अरे ऐसा सोच कैसे लिया तुमने? तुम्हारी रगों में जिसका खून है, तुम्हारा बाप शंकर वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था जो सिक्कों के बोझ के नीचे दब जाते हैं, और ना ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें भीख के टुकड़े खिलाए हैं जो तुम दूसरों की दौलत हथियाने जैसी गंदी बात सोचने लगे। शारदा बहन लगता है तुमने इन्हें शंकर भैया अपने बारे में सब नहीं बताया। इन्हें बता दो बहन, पीछे का इतिहास इसीलिए तो पढ़ा जाता है ताकि आगे के लिए हम अपनी सोच को सुधार सके, ठीक कर सके। बता दो बहन, बता दो इन्हें। मेरे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे, मैं उनकी इकलौती लड़की थी। जब हमने शादी करने की सोची तो मेरे पिताजी ने एक शर्त रख दी कि तुम्हारे डैडी उनके साथ ही रहे, अगर वो मान जाते तो वो मेरे पिताजी की सारी जायदाद के मालिक हो जाते। हर गरीब आदमी करोड़पति की बेटी से शादी करने का सपना देखता है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ अगर तुम इस घर में हमेशा के लिए रहना पसंद करो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। इसका मतलब मुझे घर जमाई बनना पड़ेगा? करोड़पति का घर जमाई बनना भी शान की बात है। शारदा मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। शारदा ये अपनी किस्मत पे लिखी गरीबी का इंतकाम तुमसे लेना चाहता है, ये तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूं पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम लोग ऐसे खुददार बाप की औलाद हो, तुम्हें तो इबादत की तरह पाक साफ और पवित्र होना चाहिए और अपनी तपस्वी मां की सेवा को ही अपना धर्म समझना चाहिए। खुदा हाफिज। सेठ जी आपने अशोक को नौकरी देकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। एक बात क्लियर कर समझ लो साईं, मैं किसी पर उपकार नहीं करता, धंधा करता हूँ सिर्फ। धंधा? धंधा वो भी गंदा। कैसी बात कर रहे हैं? मुंडी नीचे कर। मैं? और ये लड्डू खा और मुंडी ऊपर करके मुंह बंद रख। पता क्या है कि ब्याज का धंधा है, और ब्याज के धंधे में क्या होता है कि जब तो आदमी को पैसा चाहिए होता है तब तो दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आती है तो सारी की नानी भी मरती है और दादी भी मरती है, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और सारा वकील खटमल की तरह आपका खून चूसता रहता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि घर का वकील रखो, तो अशोक बेटा जो है वो कोर्ट कचहरी का लफड़ा संभालेगा और मैं बड़े आराम से घर में बैठ कर क्या करूं? पैसे गिनेंगे और क्या करेंगे? अरे हम कह रहे हैं कि एक बाप आराम से पैसे कैसे गिन सकता है जबकि उसके घर में दो दो जवान बेटियां बैठी हो। तुमने ठीक कहा चंचल दास। बहन जी अपने अशोक के लिए मेरी बेटी रीटा का क्लियर कट रिश्ता मंजूर करिए। जी पिताजी रीटा आ गई। अरे आ गई तो मैं क्या करूं? माँ जी ये हमारी रीटा बीए पास है। अरे अच्छी बात करता है तो जोर से बोल उच्च आवाज में, हमारी रीटा बीए पास है, सुन लिया? गुड 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 गुड। ये और अशोक एक दूसरे को चाहते हैं तो शुभ कार्य में देरी का है कि। अरे रीटा अपने होने वाली सास के पाँव पकड़। गिर गया। रीटा को पैर पकड़ने दीजिए। अरे बैलेंस बिगड़ गया था। रीटा पाँव पकड़।
ठीक ही रहे बेटे, लेकिन सेठी। हाँ क्या दोनों माँ, ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सेठी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का रिश्ता इतने बड़े घर में बनेगा। लेकिन एक बात है सेठ जी। क्या बात है? अगर अशोक इस घर का दामाद बना तो वह यहां नौकरी नहीं करेगा। तो मेरा अभी आखिरी फैसला सुन लीजिए। अरे मुझे नौकर तो बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसा फूल सा दामाद कहां मिलेगा। बेटा इनके पैर छू। अरे क्या कर रहे हो? डैडी वो पैर छू रहा है, उसे आशीर्वाद दीजिए और लड्डू खिलाइए। अरे पागल हो गया, असली घी के लड्डू है। नकली घी के हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा बैठ जी। मुझे नहीं, उसे खिलाएगी। बैठ जी, 1941 में जब मेरी मंगनी हुई थी तो मेरे ससुर ने इसको चने भी नहीं खिलाए थे, और अब मैं इसको लड्डू खिला रहा हूँ। तेरे को तो लड्डू पसंद नहीं है बेटा? पसंद है डैडी। अरे पसंद है, मेरे को भी पसंद है, आता खा। शादी बड़ी ही नखरे वाली, साली तो होती है आधी घर वाली। मेरे भैया की शादी बड़ी ही नखरे वाली, साली तो होती है आधी घर वाली। हाय लुटी 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 हाय लुटी। मेरी दीदी का देवर देखो तो इसके देवर, दिखता है सोने जैसा पीतल का देवर। मेरी दीदी का देवर देखो तो इसके देवर, दिखता है सोने जैसा पीतल का देवर। हाय लुटी 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 हाय लुटी। शहरों में एक शहर है प्यारा जिसका नाम है पटना। फिर की? पटना में एक रहता है साधु, सुन लो उसकी घटना। शहर है प्यारा जिसका नाम है पटना, पटना में एक रहता है साधु, सुन लो उसकी घटना। हर पलहारी का घड़ा उठाए, पीछे मारे घटना, कोशिश मत करना मुश्किल मेरा पटना, कोशिश मत करना मुश्किल मेरा पटना। मेरे भैया की ताली बड़ी ही नखरे वाली, ताली तो होती है आधी घर वाली। मेरी दीदी का देवर देखो तो इसके देवर, दिखता है सोने जैसा पीतल का देवर। फौजी अच्छा? एक कुड़ी के पीछे पड़ गया था वो बड़ा मनमौजी। ओ बड़ी लड़ाई जीत के आया पटियाले का फौजी, एक कुड़ी के पीछे पड़ गया था वो बड़ा मनमौजी। शादी
गंगाराम देख, जब मैंने 1943 में डांस किया था तो ऐसे किया था, अरे तू ऐसे क्या कर रही है, ऐसे कर। हाँ, और दूसरी बात, जब 1957 में डांस किया था तो ऐसे किया था। अरे तू, नमस्ते बहन जी, भगवान की कृपा से सारा काम अच्छी तरह हो गया। अब आप आशीर्वाद देकर इन्हें यहाँ से विदा कर दीजिए। बहन जी, मैं इनको नहीं, आप लोगों को यहाँ से खुशी से विदा कर सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब क्लियर कट साफ है, अशोक अपने राजी खुशी मान गया है कि वो इस घर पे घर जवाई बनकर रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है बहन जी? हो सकता है, ये देखो मेरे पास एग्रीमेंट है, इसमें अशोक का दस्तखत भी है, और मैं लालवाणी कोई कच्चा काम नहीं करता होता। अशोक, इससे फर्क क्या पड़ता है माँ? मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ, रहूंगा तो तुम्हारा बेटा ही, चेहरा बदलने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता। मुझे रिश्ते की बात बताएगा तू? तुझे तो एक घंटा हुआ है जिंदगी में पहली बार एक रिश्ता बनाए हुए, और तू उसे रिश्ते की बात समझाना चाहता है जो एक माँ है, जो रिश्ते बनाती है, जो रिश्तों को जन्म देती है। चुपचाप चल गई यहां से, वैसे भी घर जवाई बनकर रहना किसी को शोभा नहीं देता। ये सब पुराने आदर्श है माँ, मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि अब मैं यही रहूंगा। अगर तेरे मन में यही था तो पहले कह देना चाहिए था कि तू ससुराल में बस जाना चाहता है। मैं तेरे हाथ पांव में मेहंदी रचाकर तुझे दुल्हन की तरह सजा देती। बेशरम, तूने इतना भी नहीं सोचा कि तू किस बाप की औलाद है। उसे भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन उन्होंने करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दी, और एक तू है। अगर बेटी बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि बेटा क्यों नहीं हुआ, अगर बेटा बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि उसे जन्म देने से पहले वो बांझ क्यों नहीं हो गई। अशोक भैया चलो घर चलते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे, बारात निकली थी बहू लाने और बेटा गवा कर लौटी, सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो उड़ाने दो हंसी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, और तुम भी याद रखो हम लोगों के बीच बोले कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अपनी औकात पर रहना सीखो, समझे? अशोक ये मत भूल, ही तेरा भाई है, वो भाई किसने मेहनत करके तुझे रोटियां खिलाई है।
ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है माँ। जो आदमी दूध को भूल सकता है उसे रोटी कैसे याद रह सकती है। देख रही हो ना माँ, ये छोटा सा आदमी मुझ पर एहसान जता रहा है। अगर पिताजी ने नाना जी का कहा मान लिया होता तो आज हम भी करोड़पति होते, फिर सब कुछ होता हमारे पास, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ। फिर हमें पैसे पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ता और ना ही इसका एहसान लेना पड़ता। और जिन पिताजी को तुम महान और खुददार समझती हो, मेरी नजर में वो सबसे बड़े बेवकूफ थे। अशोक, जिस तरह आप अपने पति की बेइज्जती नहीं सहन कर सकती, उसी तरह मैं भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी, माँ का हाथ छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ माँ का हाथ छोड़ दो। भाभी, आज तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या माँ, तुमने फिर से सिलाई शुरू कर दी? मैं सारा बोझ तुम अकेले पे नहीं डालना चाहती बेटे। पता नहीं विनोद को कब नौकरी लगेगी। नौकरी तो आज भी मिल सकती थी माँ, बहुत अच्छी नौकरी, 4,000 रुपया महीने की तनख्वाह। 4,000 रुपए? हाँ अमर, लेकिन बीच में एक अड़चन है, काम बहुत जिम्मेदारी का है माँ, उन्हें 50,000 रुपया डिपॉजिट चाहिए। क्या 50,000 रुपए? हाँ, लेकिन इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? भूल जाए ऐसी नौकरी। ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती माँ, सोचो 4,000 रुपए तनख्वाह। अरे बेटे, लेकिन 50,000 रुपए लाएंगे कहाँ से? ये लो भैया, भैया इन्हें बेचकर तुम 50,000 रुपए जमा कर दो। शीला, ये गहने तो तुम्हारी शादी के लिए है। माँ, एक बहन के लिए सबसे अच्छा गहना तो राखी है, राखी की लाज बचे बस, ऐसे गहने तो बाद में बन जाएंगे। अरे पगली, राखी की लाज बचाने की जिम्मेदारी भाइयों की होती है, ये गहने बाजार में नहीं बिकेंगे। और विनोद भैया, कल सुबह तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैं 50,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन पहले तो आप 70,000 रुपए देने के लिए तैयार थे और आज आप सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। भाया, पहले मेरी जरूरत थी तो मैं 70,000 दे रहा था, अब तेरी जरूरत है तो 50,000 रुपए दूंगा। और मुझे मालूम है कि तू मान भी जाएगा, क्योंकि कल सुबह तक किसी भी हालत में तुझे 50,000 रुपए चाहिए और बाजार से तेरे को 50,000 रुपए कोई नहीं देने वाला। हाँ, आप गैरेज की नहीं मेरी मजबूरी की कीमत लगा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। नहीं अमर, अमर तुम ये गैरेज मत बेचो, चलो मेरे डैडी के पास, मैं उनसे कहूंगी कि ये गैरेज गिरवी रखकर तुम्हें 50,000 रुपए दे दें। नहीं आशा, ये गैरेज मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और मैं यहाँ काम पूजा की तरह करता रहा हूँ। मंदिर के रखवाले तो बदलते रहते हैं लेकिन मंदिर कभी गिरवी नहीं रखा जाता। लेकिन अमर, देखो आशा, इनको मैंने अपनी मजबूरी बता दी तो इन्होंने कीमत गिरा दी। तुम्हारे डैडी का अगर मैं एहसान लूंगा तो वो मुझे अपनी नजरों से गिरा देंगे। लेकिन अमर, कम से कम इतना तो सोचो कि अगर ये गैरेज नहीं रहेगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? आशा, अरे तुम जो हो मेरे साथ, हम फिर से एक नया गैरेज बनाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारा गैरेज नहीं बिकने दूंगी, जाओ सारे पैसे लौटा दो। मगर माँ, ये भाई साहब की 4,000 की नौकरी का सवाल है। नौकरी बाद में भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी माँ, इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती, गैरेज तो फिर भी दोबारा खरीदा जा सकता है। दोबारा कहाँ से लाएगा पैसे? मैं किसी दूसरे गैरेज में इतना काम करूंगा कि घर का गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा और फिर भाई साहब की पूरी तनख्वाह भी बच जाएगी। साल में हम 2 कम 50,000 रुपए बचा ही लेंगे माँ। अमर ठीक कह रहा है माँ, फिर हम अमर को दोबारा गैरेज खरीदवा देंगे। माँ, मेरा पसीना ही तो मेरे भाई के काम आ रहा है और उसमें भी तुम मुझे रोक रही हो, जबकि मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे खून की हर एक बूंद इनके काम आ जाए। लेकिन माँ, तुम्हें मेरी कसम, मुझे आशीर्वाद दो। ये लो भैया। थैंक्स अमर। ओके माँ। Come on. Sure. Yes, Carla. Sorry, brother. Do you love me? Oh.
Sorry again. Do you love me? Sure. Do you love me? That's like. Oh, oh, say you do, say you will, give me all your love for me. Bad luck, brother. For what? Try again. मेरे पास और पैसे ही नहीं है. See you soon. आओ मेरे साथ, चलो. अरे भाई, सोच क्या रहे हो? कहाँ? चलो चिन. पचास हजार तुम्हारे भाई ने गैरेज बेचकर तुम्हें दिए थे, वो तुम हार गए. अब क्या इरादा है? खुदकुशी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है. खुदकुशी तो बुजदिल करते हैं, और क्या करूं? मां पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? एक रास्ता है. कौन सा रास्ता? हमारे लिए काम करो. क्या काम? बहुत हिट काम है. चरस, गांजा, ब्राउन शुगर सप्लाई करना. लेकिन मैंने पहले तो कभी ये काम किया नहीं है. अब कर लो, हम सिखा देंगे. हजारों कमाओगे, उसमें से 4000 घर दे देना. क्यों, ठीक है ना? क्या सोच रहे? जी, मुझे मंजूर है. वेरी गुड, आओ मेरे साथ. कहिए हुजूर. आइए अब्दुल्ला से. भाई, हमारी गाड़ी ठीक हो गई? जी, आप ही के गाड़ी का काम हो रहा है और शाम तक आपको गाड़ी मिल जाएगी. देखिए, शाम तक मिल भी जाएगी या यूं ही कह रहे हैं? चलिए मैकेनिक से पूछ लेते हैं. चलिए आइए. क्यों भाई अमर, शाम तक इनकी गाड़ी मिल जाएगी ना? बस साहब, थोड़ी देर में हो जाएगी. अरे अमर बरखुरदार, तुम यहाँ? तुम्हारा तो भाई अपना गैराज हुआ करता था. बस एक के बाद एक मुसीबतें आ पड़ी, इसलिए गैरेज बेचना पड़ा. अब मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूँ. अरे भाई, इसलिए तो कितने बार कह चुका हूँ कि दफ्तर आओ, दो चार साल के लिए दुबई भेज दूंगा, लाखों पति हो जाओगे मियाँ. अब्दुल्ला सेठ, क्यों हमारे आदमी को उल्टा पति पड़ाता है? बड़ी मुश्किल से तो एक अच्छा मैकेनिक मिला है और उसे तुम दुबई भेजना चाहते हो? भाई अरे देखो तो सही, सुबह से इसने 3 गाड़ियां स्टार्ट कर दी. जी हाँ, मैं इसका हुनर, इसका फन जानता हूँ, इसलिए तो उसको दुबई भेजने के लिए कह रहा हूँ. नहीं साहब, मुझे धन दौलत नहीं, अपना परिवार प्यारा है. अपने माँ भाई बहन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता. देखो अमर, चलिए आपको चाय पिलाते. भाई देखिए शेखर, मेरा शर्त यह है कि चाय पियेंगे तो उसके बाद पान भी खाएंगे. अरे पान के साथ तंबाकू भी खाते. आइए तो सही. कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. अमर, अरे ये तो डॉक्टर लगता है. आइए. इसको क्या हुआ? इस तरह. अरे बेटा गंगाराम, इधर तो आ बेटा. जी पिताजी. अरे गंगाराम, ये डॉक्टर काय को आया है? वो शोभा को उल्टियां हो रही है. अरे हम कह रहे हैं सर जी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा. अरे मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है, कहीं उसके पेट में मुझे कंगाल बनाने का नुस्खा तो नहीं बन रहा. अरे कैसी बात कर रहे सर जी, खोटे ने तो नस काट दी थी क्लियर कट. चंचलदास आगे से तूने मेरा डायलॉग बोला तो तेरी पगार में से 5 रुपए क्लियर कट काट दूंगा. डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? सेठ जी बताइयो, आप दादा बनने वाले हैं? अरे मैं छोटा मोटा सेठ ही बहुत हूँ, मुझे गली का दादा वादा नहीं बनना. डॉक्टर साहब, आपका बेटा बाप बनने वाला सेठ जी. किसका बाप बनने वाला है जी? बच्चे का सेठ जी. पिताजी. ये कैसे हो सकता है गंगाड़ा? क्यों नहीं हो सकता है पिताजी, अगर शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे के भी बच्चे होंगे, फिर उसके भी बच्चे. अरे चंचल, आप देख रहा है मेरा बेटा मरने से पहले मुझे बधाई दे रहा है. मैं तो लगता मर जाऊंगा. मर गया जी मैं तो. ये क्या हुआ चंचल दास? लगता है सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया. ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई, इनके क्रियाक्रम पे अब खर्चा करना पड़ेगा. अरे हमेशा सेठ जी की बात क्यों करता है? चैन से मरने भी नहीं देता मेरा बेटा. चंचल दास चढ़ मुझे दिखाई दे. अरे चंचल दास. हाँ सेठ जी. ये साबुन के 40 रुपए और फिनाइल के 30 रुपए काय को लिखे हैं सारे इसमें? अरे सर जी, हम कह रहे हैं ये दुकान वाले हमारे बाप लगते हैं जो मुफ्त में दे देंगे. अरे गधे, ये जो दरवाजे पढ़ाते हैं कि हमारा साबुन ले लो जी, हमारा फिनाइल ले लो जी, उनसे नहीं ले सकता था. उनको कह देता कि बाप पर के आपको बताएंगे, पैसे बच जाते. ये 40 और 30 हो गए 90 रुपए, ये मैं तेरी तनख्वाह से काट लूंगा. पैर दबाओ, पैर दबाओ.
देखिए आगे क्या लिखा है। ब्लाउज कुर्ते पजामे के लिए इतने सारे कपड़े देने की क्या जरूरत थी, बिना स्त्री के कपड़े ने... क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मैं केस हार गया। क्या? फिर से केस हार गया? पूरे 5 लाख का नुकसान कर दिया। देखा देखा चंचदास गंगाराम का बेटा पेट के अंदर है लेकिन माल बाहर जाना चालू हो गया। अरे हम कह रहे सरकार जब वो बाहर आएगा तो आप अंदर हो जाएंगे। अरे ठीक कहते हो तुम, वो सचमुच मनहूस है, बिल्कुल मनहूस है। डैडी नाड़ा संभाल के बात करना, वरना नाड़ा अलग और आप अलग। आप मेरे बेटे को मनहूस हरगिज नहीं कह सकते। अरे कहूंगा, हजार बार कहूंगा। उसके लक्षण अभी से बताते हैं कि वो बाहर आते ही मुझे कंगाल कर देगा, क्लियर कट, और मैं माला माल हो जाऊंगा फटाफट। जा जा जा, अगर तेरे बेटे राहुल ने तेरा साथ दे भी दिया तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि अपने घर में शनि बैठा हुआ है, अपना जमाई बाबू जो आज फिर से केस हार कर आ गया। आप बार बार इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जहां तक कोशिश करनी थी वो तो मैंने की। अरे तेरी कोशिश का मैं क्या करूं? अचार डालू, बुढ़प्पा बढ़ाऊं, क्या करूं? डैडी आपको क्या हो गया है, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ जी, और आप भी सुन लो जमाई साहब उर्फ शनि महाराज, आप ससुराल की रोटियां बहुत तोड़ चुके हैं, अब हमें मुक्ति दीजिए, चले जाइए यहाँ से, क्लियर कट। डैडी आप इनका अपमान कर रहे हैं। अरे जिसे अपमान का डर होता है वो घर जमाई नहीं बढ़ता है। लेकिन आपके लिए ही तो मैंने इन पर जोर डाला था। शादी के बाद जब बेटी बहू बन जाए तो उसे महके वालों का नहीं ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए, और जो लड़की ऐसा नहीं करती उसे एक ना एक दिन मैके में सब कुछ सहना पड़ता है जी। रीता आप यहाँ कहने के लिए और कुछ रह गया है? चलो यहाँ से। लेकिन जाएंगे कहाँ? दीदी तुम सीधी अपने ससुराल चले जाओ। किस मुंह से अब हम वहां जाएं? माँ की मर्जी खिलाफ यहाँ आकर हमने उन्हें दुख दिया, उनका अपमान किया। मुझमें तो अब इतनी हिम्मत नहीं कि उनसे नजर भी मिला सकूं। माँ का दिल बहुत विशाल है, तुम उनसे माफी मांग लेना, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगी। नहीं मैं तो इस लायक ही नहीं रहा कि उनसे माफी भी मांग सकूं। चलो रीटा। ऐसे ही कुछ सामान तो ले ले। नहीं यहां से अब और कुछ नहीं लेना, मेरे साथ चलना है तो वैसे ही चलो जैसी हो। दीदी तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है, अब और देर मत करो प्लीज। हाँ अब और देर नहीं करनी चाहिए, तुमने मुझे पहले भी समझाया था, अगर तुम्हारी बात मैंने मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज मैं न बहू रही और न ही बेटी। चलिए। अरे तू क्या कोई इमोशनल होता, चल पैर दबा। आपको हमारी बेटी पसंद है और हमें आपका विनोद पसंद है तो ये शादी की बात पक्की समझ लो। शारदा जी अगर आपकी कोई मांग है तो अभी बता दीजिए। बहन जी ये तो शादी का पवित्र बंधन है, कोई सौदा नहीं जिसकी कीमत लगाई जाए। देखा शांति शारदा जी कितनी महान है, वरना 4,000 रुपया महीना कमाने वाले बेटे के लिए तो लाखों की डिमांड होती है, ऊपर से टीवी VCR और वो भी कलर में। माफ कीजिए आप में से विनोद किसका नाम है? विनोद? हाँ ये है विनोद। क्यों? बहन जी हमारे पास इस मकान का सर्च वारंट है, जाओ तुम लोग तलाशी लो। यस। हाँ तो मिस्टर विनोद वो माल कहाँ है? कौन सा माल? जो हशीश 10 बजे तुम सेठ सुलेमान के यहाँ पहुँचाने वाले। मैं किसी सुलेमान सेठ को नहीं जानता। सेठ सुलेमान मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मारा गया है, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हारा नाम लिया है। ये तो सरासर झूठ है। साहब माल मिल गया। बताओ ये माल तुम्हें कौन सप्लाई करता है? मैं पूछता हूँ बताओ उसका नाम। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ये भी नहीं मालूम ये सब क्या कैसे आ गया। ठीक है तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। लोग ठीक कहते हैं मुफ्त का सौदा ज्यादा महंगा पड़ता है, अच्छा हुआ असलियत अभी सामने आ गई, चलो हम चलते हैं। ठहरिए ठहरिए। मुझे विनोद नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये हशीश मैंने घर में रखी थी। ये तो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ माँ। तुम कौन हो? मेरा नाम अमर है, मैं इनका छोटा भाई हूँ, पहले मेरा गैरेज था चुप टिक गया तो मैंने ये धंधा शुरू कर दिया। लेकिन सेठ सुलेमान ने तुम्हारा नहीं विनोद का नाम लिया था। पुलिस की नजरों से अपने आप को बचाने के लिए मैं ये धंधा विनोद के नाम से करता था। ऐसी लेकिन एक स्मगलर इतनी जल्दी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता। अगर मैं खामोश रह जाता इंस्पेक्टर साहब
तो विनोद भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाती और इस खानदान का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाता। चलिए नहीं, अमर ऐसा नहीं कर सकता, अमर ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई है माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटे शांति, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे हमें जिससे रिश्ता करना है वो ठीक है ना, अगर उसका भाई खराब निकला तो हमें उससे क्या मतलब? वो तो हमारा भाई भी नहीं है, पिताजी उसे कहीं से उठा लाए थे, हमें क्या मालूम कि वो ऐसा निकलेगा। अच्छा तो वो तुम्हारा भाई नहीं, ये तो और अच्छा हुआ। समझ लो सड़क का कुत्ता था, घर में आकर भी पत्तल चाटने की आदत नहीं भूला। ये अच्छा हुआ कि घर से कचरा बाहर निकल गया। अच्छा शारदा देवी, आप बारात लेकर कब आएंगी? अब इस घर से आपके यहाँ बारात नहीं जाएगी। क्यों, क्या हुआ? ये अच्छा होता है कि घर से कचरा बाहर निकल जाए। चलो जी, समझ गए। चलो माँ। माँ मैं जानता हूँ तुम्हें अमर की वजह से बड़ा दुख पहुंचा है। शीला तुम जरा माँ को संभालना, मैं अभी आया। विनोद यहाँ आओ मेरे पास। जी माँ। तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? माँ मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ भी किया समर ने किया है। तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? मैंने कहा ना नहीं, लेकिन आपको तो मेरी बात का भरोसा ही नहीं है। भरोसा उस पर जिसे सड़क से उठाकर घर में लाए थे। ठीक ही तो कहा उन लोगों ने, सड़क का कुत्ता। खामोश। सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? नहीं 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 नहीं। तो खाओ मेरे सर की कसम। अगर मैं आपकी कसम खा भी लूं, अब मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा कि आपको मेरी बात सच लगेगी, इसलिए मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगा। हाँ, जिस बेटे का मां पर से विश्वास उठ जाए, जिस बेटे के सामने मां की इतनी भी इज्जत में रह जाए कि वो उसकी कसम न खा सके, ऐसे बेटे के बारे में यही सोच लेना चाहिए कि उसने मां का पिया हुआ सारा दूध उगल दिया। ठीक है विनोद, तूने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन ले। जब तक तू अपने जुर्म का इकरार नहीं करता, अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता, तब तक इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, समझे? ठीक है ठीक है, मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता, कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा मैं। भैया रुक जाओ, भैया मुझे कभी नहीं आऊंगा मैं, छोड़ के मत जाइए भैया। अशोक भैया तो चले गए थे, आज आज विनोद भैया भी चले गए। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि खून साफ हो जाए, मुझे क्या मालूम था कि खून पानी हो जाएगा। माँ नहीं आई, वो तुमसे बहुत नाराज है, वो यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। माँ को देखने का बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, अपने पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कौन सा पाप, कैसा पाप, बोलो जवाब दो। देखो मर, ये बात सबको मालूम हो गई है कि तुम यहाँ पाप का नहीं उन्हीं का प्रायश्चित करने आए हो। हाँ भैया, विनोद भैया के जुर्म पर पर्दा डालकर तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। अमर, चिल्लाने से झूठ का काला रंग सच्चाई की सफेदी में नहीं बदल जाता। मुजरिम विनोद भैया है, अगर पुलिस उन्हें सजा दे देती तो शायद उनके पापों का प्रायश्चित भी हो जाता और वो सुधर भी जाते, लेकिन तुमने उन्हें बचाकर उनको और जुर्म करने का मौका दिया है। अमर, तुमने कोई कुर्बानी नहीं दी बल्कि विनोद भैया से दुश्मनी की है। सर आपका अंदाजा सही था, अमर को स्मगलर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो खुद भी स्मगलर नहीं है। दरअसल उसने अपने भाई विनोद को बचाने के लिए उसका सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। विनोद कहां है उसका अब तक कहीं पता नहीं चला। इंस्पेक्टर यादव, आशा को अंदर भेज। यस सर।
कुलकर्णी, फाइल नंबर 5 अंदर भेज दो। गुड मॉर्निंग। देखिए, अमर के खिलाफ बहुत सख्त जुर्म आए हैं, फिर भी हम उसे जमानत पर छोड़ रहे हैं, लेकिन जमानत की रकम 20,000 रुपए होगी और वो भी नकद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी रुपए लेकर हाजिर होती हूँ। आप कैसे बातें करते हैं डैडी? इतने करोड़पति होने के बावजूद भी आप अपनी बेटी को भले काम के लिए 20,000 रुपए नहीं दे सकते? हाँ, छाती ठोक के कहता हूँ 20,000 नहीं दे सकता। हम कह रहे हैं चंचल दास जी, तुम गधे हो। अगर वो 20,000 की जमानत लेकर गायब हो गया तो मेरे तो गए ना 20,000 रुपया, और अगर गायब नहीं हुआ तो तू से शादी कर लेगी और मेरी बेटी एक कंगाल की हो जाएगी। मेरे तो दोनों हाथों में बम के गोले हैं, कुछ नहीं दे सकता जी 20,000 रुपया। ठीक है डैडी, मत दीजिए। आज मुझे मालूम पड़ा कि इस घर में मेरी क्या कीमत है। आपको अपनी बेटी नहीं दौलत प्यारी है। अरे हम कह रहे हैं सेठ जी, उसे जाकर मना लीजिए, कहीं गुस्से में वो कुछ करना बैठा है। अरे क्या करूं, जैसी बातें करता है चंचल दास। ये सोडा वाटर की बोतल की झाग है, खुद ही अपने बिस्तर पर लेट कर दो आंसू बहाएगी, अपने आप तबीयत हल्की हो जाएगी। नहीं तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, 50 रुपए का फटका पड़ेगा, और मैं जानता हूँ इस तरह के नाटक रोज होते हैं यहाँ पे। पिताजी शोभा, नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर ये आपका धन आपके बच्चों के काम नहीं आया तो फिर ये धन किस काम का? पिताजी, जब आप अपनी खोटी चवन्नी का ख्याल रख सकते हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखने में आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए, है ना? अरे गंगू, बहू के सुड़ मिलाने की आदत भूल जा, वरना मैं तुझको जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तू अनाथ हो जाएगा। अरे सर जी, अनाथ? अरे मेरा मतलब है कि बेसहारा हो जाएगा। बेसहारा हो जा। यूं अपने घर की तरफ क्या देख रही हो राम? आखिर कब तक हम यूं छुप छुप के मिलते रहेंगे? मेरी माँ को अगर इस बात का पता चला तो मुझे घर से बाहर निकलने भी नहीं देंगी। तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं करते? बस कुछ दिन और ठहर जाओ शीला, तुम नहीं जानती मेरी माँ किसी हिटलर से कम नहीं है, इसलिए उनका मूड देखकर बात करनी होगी, वरना बात बिगड़ जाएगी। मुझे भी इसी बात करा है राम, की बात बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, बस कुछ दिन और, फिर मैं तुम्हें ब्याह कर यहां से ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस। ओके, अब तुम जाओ, बहुत देर हो चुकी है। इतनी रात गए कहां थी तू? होटल में, न्यू ईयर की पार्टी थी, वो तो 12 बजे खत्म हो जाती है, अभी 4 बज रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही थी। शीला, इतनी आजादी अच्छी नहीं। देखो माँ, अब मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो अपना भला बुरा नहीं सोच सकूं, और अगर घर की 4 दीवारी में कैद करके रखना चाहती थी तो कॉलेज में डालकर पढ़ाया लिखाया क्यों? यूं ही अनपढ़ और गवाह बना के रखती, और फिर किसी लल्लू पंजू के पल्लू बांधकर घर से विदा कर देती। शीला, तू होश में तो है? देखो माँ, बात तो साफ है, मैं कोई मशीन का पहिया तो नहीं हूँ जो हर पल तुम्हारे इशारे पे नाचती रहूं, और अगर फिर भी तुमने मुझे इस घर में कैद करना चाहा तो मैं इस घर को ही छोड़ दूं। शीला, चाय रखी है, पी लेना। माँ, मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि अगर मिल भी गई तो वापस नहीं आऊंगी। देख रहे हो ना, बेटी भी छोड़कर चली गई, एक एक करके सब भी चले गए। बोलो क्या दोष है मेरा? तुम तस्वीर से बाहर क्यों नहीं आते? मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं। माँ जी, तुम्हारा अचानक कैसे आना हुआ? माँ जी, मैं अपने पिताजी का घर हमेशा के लिए छोड़कर आपकी शरण में आई हूं। नहीं नहीं, ऐसा न कर बेटी, ऐसा न कर, आप पर बोझ बन जाऊंगी,
इसलिए आप ऐसा कह रही है? बोझ से डरने की बात एक माँ से मत कर। माँ तो बोझ को अपने अंग में छिपाकर जीना जानती है, तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि जिस आग में मैं जल रही हूं उसमें तुम्हारे पिताजी भी जले। ये देखो आज शीला भी घर छोड़कर चली गई। एक बेटी मां का सहारा छोड़कर चली गई तो दूसरी बेटी मां का सहारा मांगने चली आई। बाजी, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाती कि मैं कहां जाऊंगी, लेकिन इस घर के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। देखा, तुम तो तस्वीर से नहीं निकले लेकिन चांद अंधेरे से निकल आया। ये हमारी बहू, हमारी बेटी। अरे आशा कहां मर गई तू? आशा, आदतें खराब हो गई इन्हें सबकी आदतें। आशा वो किधर गई? अरे आशा तू किधर है? सब एक एक करके चले जाएंगे पिताजी, और आप अकेले रह जाएंगे। और आपका ये बंगला है ना, बंगला, हंसता खेलता बंगला, एक भूत बंगला बन जाएगा। और आपकी हालत उस चमगादड़ जैसी होगी जो अकेला दीवारों पर सर टकरा टकरा कर जीता रहता है। देख लेना पिताजी, ऐसी हालत मेरी नहीं होगी, तुम सबकी होगी। देख लेंगे, गरीबी की दीवारों से टकरा कर एक दिन सब मेरे पास लौट कर आओगे। और यह शोक है ना मेरे लिए ना सही, मगर मेरी दौलत के लिए जरूर आएगा। देख लेना, इधर झक मारेगा। अच्छा, और ये आशा अगर आज शाम तक नहीं आई तो देखना क्या तमाशा खड़ा करता हूँ। सारा इस खोपड़ी के कंप्यूटर में प्लान फिट है साई, क्लियर कट फिट है, तुम देख लेना। चलिए माँ जी, उठिए और खाना खाइए। आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। अरे बेटी, खाने पीने के तो तुम्हारे दिन है और तुमने मेरे लिए खीर बनाई? मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। चलिए उठिए, दिन रात काम करते रहती है, उठिए। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तब तक मैं आपके लिए कटिंग करती हूँ। खाएंगी या मैं खिलाऊं? देखो देखो बड़ी, खुद मालकिन बनकर खाना खा रही है और मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर काम करवा रही है। आपने अपनी आंखों से देख लिया, जो मैं कहता था वही हो रहा है, क्लियर कट वही हो रहा है। दादी, आप पुलिस लेकर यहाँ क्यों आए हैं? अरे अपनी बेटी को घर वापस ले जाने के लिए मैं पुलिस को क्या आर्मी को भी लेकर आ सकता हूँ? देखिए जनरल साहब, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ये औरत अपने स्मगलर बेटे से मेरी बेटी की शादी करवा के मेरी करोड़ों की जायदाद क्लियर कट हड़प करना चाहती है। दादी, इंस्पेक्टर साहब, आप इस औरत को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए और मेरी बेटी को मेरे घर पहुँचा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं बालिग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। दुनिया का कोई भी कानून मुझे यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे इसने अपने आप को बालिग कहा और आपने मान लिया? अगर कोई असल में बालिग है तो क्या सोने चांदी के ढेर से उठकर वो कीचड़ में बैठ जाएगा? सोने चांदी के ढेर से बड़ा कीचड़ और कोई नहीं। जो इंसान उसमें एक बार डूब जाता है तो उसकी आत्मा तक नली हो जाती है। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, एक बालिग लड़की को अपना पति चुनने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है। अरे कैसे इंस्पेक्टर यार, हर चीज में हाँ कर देते हो। देखो सेठ जी, आपने तो कहा था आशा नाबालिग है और उसे जबरदस्ती भगाकर यहाँ लाया गया है, सब बातें गलत हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आपने इनके खिलाफ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। मुझ पर? हाँ आप पर। तुम इतना याद रखना, मैं आइसक्रीम कितना पिघलने वाला नहीं, अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट में कर दूंगा, मगर तुमको आधी खोटी चुन्नी ठनी एक पैसा नहीं दूंगा। दादी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे जा, अगर मैं मैंने किसी को श्राप नहीं दिया तो आशीर्वाद क्या दूंगा? चलिए आप छोड़ छोड़ पकड़ मत, देखा देखा है तेरी वजह से इंस्पेक्टर मेरा पकड़ रहा हाथ। अरे अरे तू मुझे याद रखना, अगर तूने जिंदगी मेरा साथ छोड़ दिया तो जिंदगी भर गरीबी और भुखमरी तेरी टांग खींचती रहेगी, तू अभागी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा और तू चिल्लाती रहेगी बापू बापू मुझे बचाए, बापू मुझे बचाए।
शायद तेरे पिताजी ठीक कह रहे थे। नहीं माँ जी, वो गलत कह रहे थे। पिताजी का आशीर्वाद नहीं हुआ तो क्या हुआ? माँ की ममता की छांव तो है, फिर मैं कंगाल कैसे हो सकती हूँ? यस सर। हवलदार, मुझे अमर को लाओ, उसकी जमानत हो गई है। ओके सर। उस दिन मेरे सर पर दौलत का भूत सवार था अमर, उसी की वजह से मैंने माँ का भी अपमान किया और तुम्हारा भी। मुझे माफ कर दे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझसे बड़े हैं भाई साहब, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन वैसे आपको मेरी जमानत नहीं देनी चाहिए थी। माँ को मालूम होगा तो वो बहुत नाराज होंगे। तुम्हारी जमानत मैंने नहीं दी है, ना ही मैं जमानत के रुपए देने के काबिल हूं। तुम्हारी जमानत तो दरअसल गंगाराम जी ने दी है। ये तो और भी ज्यादा गलत हुआ। कुछ गलत नहीं हुआ, इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? और मैंने किया भी क्या है? बेकार पड़े नोटों को अगर हवा नहीं लगाता तो दीमक खा जाती उन नोटों को। मैं पिताजी के रुपए लेके अशोक बाबू के ऑफिस गया और उन्हें यहां ले आया, रुपए जमा कर दिए। हाँ, जब केस खत्म होगा तो रुपए वापस मिल जाएंगे। भाई साहब की ऑफिस? क्यों, आपने कोई अलग ऑफिस बनाया है क्या? हाँ अमर, अब मैं ससुराल में नहीं रहता, रीटा के साथ अलग रहता हूँ। अलग क्यों रहते हैं, माँ के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं, उस दिल हूं। माँ का इतना बड़ा अपमान करके उनके सामने जाने का हौसला नहीं छुटा पाया। घबराने की कोई बात नहीं, मेरे साथ चलिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं अमर, पहले तुम घर जाओ, माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जाओ। ठीक है। माँ, माँ, ये माँ की तरफ से बेटे को झूठ बोलने की सजा है। मेरे लिए ये सजा आशीर्वाद के समान है माँ। ये झूठ बोलना कहां से सीखा तूने? मेरे एक झूठ बोलने से अगर किसी का भला होता हो तो एक झूठ बोलना पाप नहीं होता माँ। आजकल माँ को भी उपदेश देने लगा है, क्यों? अपने इस बेटे की गलती को माफ कर देना माँ। माँ, ये आशा यहाँ क्या कर रही है? माँ जी चाय। और बाकी सब कहाँ हैं? तेरे जाने के बाद विनोद मुझसे झगड़ कर चला गया, शीला मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के जाने कहाँ चली गई, आशा ने मुझे संभाल लिया, वरना मैं भी न जाने इस दुनिया में मिलती या नहीं। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो माँ, तुम्हारा ये बेटा अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बेटी, मेरी आज्ञा का पालन करेगा? ऐसा क्यों कहती हो माँ, अपने इस बेटे पर भरोसा नहीं? मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम जो कहोगी उसका मैं जरूर पालन करूंगा। तो सुन, ये लड़की अपना घर अपना परिवार सब कुछ छोड़ के यहाँ मेरे पास रह रही है। किसी कुंवारी लड़की को इस तरह घर में रखना अच्छा नहीं लगता, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, इसलिए तो तुरंत इससे शादी कर ले। वो तो ठीक है माँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, तूने मेरी सौगंध खाई है। ठीक है माँ, लेकिन शादी करने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त तो दोगी ना मुझे, क्यों आशा? तुमने अमर की जमानत ले ली? हाँ शोभा, पहली बार मैंने कोई पुण्य का काम किया है, भगवान इसका फल मुझे और मेरे पिताजी को जरूर देगा। पिताजी को क्यों? उन्हीं का तो पैसा, मेरा थोड़ा ही है। अरे सत्यानाश हो तेरा, मैंने रुपए ऐसी जगह छुपा कर रखे थे कि किसी की नजर न पड़े। लेकिन मेरी नजर पड़ गई थी पिताजी, मुझे मालूम था आपने वो पैसे सोफे के अंदर छुपा के रखे थे। मैंने स्क्रू ड्राइवर से सोफा खोल के सिर्फ 20,000 रुपए निकले थे, ज्यादा नहीं। 20,000? हम तो कहता था सेठ जी आपका स्क्रू पहले से ढीला है। अरे शट अप, यू बिटवीन फादर एंड सन कमिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जेंटलनेस, ये सब इस बहू के पेट में पल रहे बच्चे का श्राप है, जिसने मुझे कंगाल करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये बच्चा नहीं शैतान है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? कान खोल कर सुन ले बहू, अगर इस बच्चे ने अपनी लीला इसी तरह शुरू रखी तो मैं इसके पैदा होने से पहले इसको खत्म कर दूंगा, क्लियर कट। सुन रहे हो तुम? हाँ सुन रहा हूँ, कॉमा और फुल स्टॉप के साथ सुन रहा हूँ।
जिस घर में लोग मेरे बच्चे के खून के प्यासे हो वहां मुझे नहीं रहना। अरे जाओ जाओ, धमकाती किसको, जाओ। शोभा शोभा सुन तो, शोभा पिताजी, जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरे बेटे का क्या होगा? आप कुरुक मुर्गी की तरह दौलत के अंडे पे बैठकर उसे देखते रहो, दौलत तो पैदा होगी लेकिन औलाद नहीं मिलेगी। अरे जाओ जाओ, बीवी के लिए बाप को छोड़कर जाता है सारा जोड़ू का गुलाम, जो चंचरदार। हाँ जी सेठ जी। तू सारा गुस्से से सेठ जी बोलता है, मेरे को सब पता है कि तेरी नजर भी मेरे रुपए पर है। तू सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे रुपए पर कब्जा कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तू भी जा, भाग जा यहाँ से, भाग भाग। सांप सांप को नहीं डसता, आप तो इंसान होकर इंसान को डसते हैं। अरे आपने तो अपनी औलाद को नहीं छोड़ा। अरे ये घर नहीं है, तुम्हारी लालच और हवस की समाधि है। यहाँ पर किसी को चैन नहीं मिल सकता। अरे आप हमें क्या भगाएंगे, हम खुद ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा चिल्ला कर गया सा, लेकिन पैसा तो बच गया। अब इस घर में मैं रहूंगा और मेरी लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी जी, जी विकास मिल गया। किसी दूसरी लड़की के साथ झड़े उड़ा रहा। मैं उसके सामने से गुजरा लेकिन पहचाना तक नहीं उसने। चलो चलो देखते हैं उस। चलिए चलिए, मुझे यहाँ खाने में जो मजा है ना वो किसी वार्ड में। अरे मारा बाप, अहिया तू करे हा? तुझे हीरो इसलिए बनाया कि तू हाउसफुल शो छोड़कर इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहे। कौन विकास, कौन हीरो, कौन सा हाउसफुल, कौन सा थिएटर, चरस भी क्या आया है क्या तू? अरे हूँ चरस। अरे मारा बाप विकास, नाटक छोड़, मारा साथ चल नाटक। लेकिन इनका नाम विकास नहीं है, इनका नाम तो गंगाराम है। बोल दे गंगाराम। तूने अपना नाम भी बदल दिया। बहन जी आप इसे नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। कितना जानता है रे तू, कितना जानता है? लगता है तुझे भी बहुत भूख लगी है। ले भजिया खा, भी नहीं खाने। मारा साथ चल नहीं तो क्या करेगा तू, क्या करेगा? अगर भजिया पकड़, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? तेरे सारे पोल खोल दूंगा। बहन जी तुमको नहीं मालूम, हमारे नाटक कंपनी की एक छोकरी मीना के साथ इसका टाका है। मीना? ये मीना कौन है? देखो मैं किसी मीना मीना को नहीं जानता। ये अरे मीना को नहीं जानता, नाटक वाली मीना को नहीं जानता। और सुनिए बहन जी, ये रोज रोज नई लड़कियों के साथ घूमता है, जो करे रात को हमारे साथ नाटक करता रहे। तू मेरा क्यों सत्यानाश कर रहा है? भगवान के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोल। मैं गंगाराम हूँ, मैं लालवाणी का बेटा हूँ, ये मेरी पत्नी शोभा है और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सुन लो मुझे, झूठे धोखेबाज कह गया। शोभा अरे मेरी बात तो सुन, बाद में मुझे मिल। एक मिनट मुझे ये तो बताओ सेठ जी, तुम्हारा ये नाटक रात को ही होता है ना? हाँ, तो अभी तुम ही बताओ, मैं किसी रात को तुम्हें छोड़ के गया हूँ? कभी भी नहीं। कभी नहीं ना, तो मैं तुम्हारा ही हूँ, इनका ही नहीं हूँ? यूं ही रोती है पगली कहीं की। चल डायरेक्टर श्रीधर भाई, आसू लफड़ा जी, सेठ जी लगता है ये अपने विकास का हम शक्ल है। क्यों ना विकास के न मिलने तक हम इसे ही अपना हीरो बना ले। अरे वाह, अरे वाह, हरी छे, क्या नाम है इसका? विकास। अरे गंगाराम, गंगाराम जी, गंगाराम। अब क्या है? हमारा पर मेहरबानी कर, क्या करना है? हमारे नाटक कंपनी का हीरो बन जा। हीरो? हाँ। मैं? हाँ। एक काम करो, हाँ। मेरे घर जाओ, मेरा बाप अच्छा एक्टर है। अच्छा? वो खुद अच्छा नाचता है और दूसरे को भी अच्छा नचाता है, जाओ। अरे मेरे बाप, तेरा बाप नहीं तू चाहिए। हाँ। मेहरबानी करनी, देख रहम भी कर, दया करो। नाटक कंपनी में काम करने का 100 रुपया मिलेगा। नहीं चाहिए। 200? नहीं चाहिए बोलाना। 400? अरे नहीं चाहिए बोलाना। 500? अब इससे आगे हम नहीं देगा। हाँ बोल। हाँ 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 हाँ। 5? हाँ, एक शो का महीने में 10 शो होता है। एक शो का 5, तो 10 शो का 5000 हो गया। शुभाई धंधा कोई बुरा नहीं है, ये सब पेट वाले की करामत है। बाहर आने के पहले उसने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। चुप रे, ठीक है मंजूर है, मैं ऐसी एक्टिंग करके बताऊंगा कि सारी पब्लिक का बैंड बज जाएगा।
मुझे फटाफट ठीक कर दीजिए, मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा। सेठ जी, आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई है। कौन हाई है? ब्लड प्रेशर। ब्लड, मैं आपको ये दवाइयां लिख रहा हूँ, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप मंदिर जाते हैं ना? हाँ, क्यों? तो यहाँ से जाने के बाद आप मंदिर में चार आने का प्रसाद चढ़ा लेना और भगवान से प्रार्थना करना की मैं ठीक हो जाऊँ, फिर तो दवाई की कोई जरूरत नहीं ना पड़ेगी। आप अपनी जान ही देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्लियर कर नहीं मरना चाहता। ठीक है, तो फिर मेरी फीस दे दीजिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं, आप बाजार से मेरी दवाइयाँ मुझे भेज देना, मैं दवाइयों की कीमत और आपकी फीस आपको भेज दूंगा। आप घबराइए नहीं, दस दस पैसे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा डॉक्टर साहब। सेठ जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है, दवाइयाँ तो आपको ही लानी पड़ेंगी। ये मेरा काम नहीं है कि दवाइयाँ भी मैं मंगवा कर दूँ। रही मेरी फीस, देनी है तो दे दीजिए, वरना कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अरे नहीं आओगे तो क्या होगा, मुंबई के बाकी डॉक्टर मर गए हैं क्या? ओहो सेठ जी, मैंने जिंदगी में बहुत से मरीज देखे, लेकिन तुम जैसा पैसे का लालची कभी नहीं देखा। अरे मैंने भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर कभी नहीं देखा कि मरीज मर रहा हो, तुम चले जा रहे हो, वो जाने वाले हो तो लौट के आ रहा। अरे तेरा सत्यानाश हो जाए डॉक्टर, तू भी आज मार पड़ेगा। अरे चलो, दवा की पर्ची तो मुफ्त में मिली, लेकिन दवा लाएगा कौन? चंचल दास भी नहीं आया। अरे मैंने निकाल दिया तो क्या हुआ, उसे आना तो चाहिए था ना, मेरा तो कोई भी नहीं रहा। क्या रहा, कोई बात नहीं, आएंगे सबके सब आएंगे, मैं कोई कंगाल थोड़ी हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ। अरे उनको आना पड़ेगा, आज शायद होगा वहां मक्की तो आएगी, जब भूखे मरेंगे तो सबके सब आएंगे। अरे माल में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है लालमणि, तू खुद उठ जा दवाई लाने के लिए। अरे ये तो वाकई तबीयत बहुत खराब है यार। सेठ हिशमदास लालवानी। कौन? क्या हुआ? अरे लालवानी, तू उधर क्या खड़ा कर रहा है? तेरा बेटा है, बहू है, बेटियां हैं, दामाद है, लेकिन आज क्या कोई नहीं। तू धनवान नहीं सेठ लालवानी, तू कंगाल है। नहीं। हाँ तू कंगाल है। मैं कंगाल नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ और धन में बहुत शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, एक काम कर, अपने नोटों से क्या कि तेरे लिए बाजार से जाकर दवा खरीद लाए। वो नहीं ला सकते, तेरे पास दवा की पर्ची तो है लेकिन दवा नहीं, तेरे पास करोड़ रुपया तो है लेकिन भूख मिटाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। तू करोड़पति नहीं है लालवानी, तू कंगाल है, दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल, दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल। ये सही कहता है, दौलत से सब कुछ मिल सकता है मगर शांति नहीं मिल सकती। लालवाणी तू कंगाल है, तू कंगाल है। तेरे ये पैसे कागज के टुकड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए पैसा। तू कंगाल है लालवाणी, तू कंगाल है, तेरे पास कोई पैसा नहीं, तू कंगाल है। चंचलदास, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चल, मैं अकेला रह गया, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चल चंचलदास। लगता है सर जी बेहोश हो गए, बेहोश नहीं हुए, आज सचमुच में होश आ गया। शीला देखो कौन आया है। भैया। शीला भैया। ए रो मत शीला, रो मत। कैसे हो भैया, अच्छे तो हो ना? अच्छा हूँ, लेकिन तू घर छोड़कर क्यों चली आई? यही गुस्से पे चली आई थी भैया,
लेकिन वो मेरी भूल थी। भैया ये राम है, इन्होंने मुझे लड़कियों के हॉस्टल में रखा है। क्या रिश्ता है तुम्हारा शीला के साथ? देखिए भाई साहब, अगर आप जानना ही चाहते हैं राम। तो एक मिनट शीला, मुझे बोलने दो। इसमें डरने की कौन सी बात है? मैं शीला से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें शीला से शादी करनी है तो अपने घर वालों को हमारे यहाँ क्यों नहीं भेजते? मैं माँ को लेकर आपके घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शीला घर छोड़कर आ गई। दुनिया के सामने अगर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपनी माँ को लेकर हमारे यहाँ चले आना। चलो शीला। ये देखो माँ, कैसा बनाया मैंने। अरे वाह, तू तो एक्सपर्ट हो गई। माँ देखो कौन आया है। इसे यहाँ क्यों ले आए हो? इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। माँ जिसे अपने किए पे पछतावा हो उसे माफ कर देना चाहिए। बेटी माफ तो इंसान को किया जाता है। अमर बेटी लगता है मेरे घर में तीन सपोलों ने जन्म लिया है। तीन सपोलों ने बसने के अलावा और कुछ किया ही क्या? पर लगते ही बेटे उड़ गए। इस लड़की पर भरोसा था मुझे, लेकिन इसने भी मुझे किसी से आंख मिलाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। माँ ये शीला की नादानी थी, जज्बात में ये अपने आप पर काबू नहीं पा सकी, घर छोड़कर हॉस्टल में रहने गई, और जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन तुम्हारे चरणों में लौट आई है। ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी माँ, इसे माफ कर दो मेरी खातिर। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो माँ के पैर छुओ, चलो। माँ मुझे माफ कर दो माँ। कुछ नहीं माँ, दरअसल ये घर से इतने दिन बाहर रही है ना, बाहर का खाना इसे रास नहीं आया होगा, तू फिक्र नहीं करा माँ। शीला क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। शीला कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं ना? देख तूने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया, बता ना शीला। ये इस तरह नहीं बोलेगी। शीला मेरी तरफ देख, मुझसे आंख मिलाकर बात कर। तूने कहीं भी जाए लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। मैंने तुझसे कहा था ना, इन लोगों ने मुझे डसने के सिवा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे निर्लज, मेरे बुढ़ापे पर तो जरा ख्याल किया होता ना, लेकिन तुझे किसी का ख्याल नहीं है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, भगवान मुझे उठा ले, मुझे उठा ले भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। माँ हिम्मत से काम लो, माँ सब्र करो। मैं जानता हूँ वो शख्स कौन है, मैं शीला को उसका हक दिला कर ही रहूंगा, लेकिन तब तक तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम। मेरी बात का क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है वो मेरे बेटे का है? मैडम दुनिया को दिखाने के लिए किसी भी माँ के पास ये सबूत नहीं होता कि उसके पेट का बच्चा किसका है। जो माँ कहती है वही दुनिया मान लेती है, वही बच्चा मान लेता है, और इसी से औरत की आबरू कायम है। मैडम जिसकी बहन कुंवारेपन में ही माँ बनने वाली हो और उसका भाई आबरू की बात करे तो अच्छा नहीं लगता। माँ शीला ऐसी लड़की नहीं है, वो हर मामले में बेकसूर है। जरा सोचो माँ मेरी गलती से उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। राम दुनिया में दो किस्म के आदमी होते हैं, एक तो दूसरों को जहर पिलाकर उन पर काबू कर लेते हैं, दूसरे वो जो खुद जहर पीते हैं और दूसरों को वश में कर लेते हैं। गरीब ऐसे ही होते हैं बेटे, उसने भी जान बूझ कर तुम्हें नजदीक आने की दावत दी होगी ताकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाए। इससे तुम उस पर दया करने लग जाओगे, तुम उससे शादी करोगे और वो लाखों की मालकिन बन जाएगी। हमारा खानदान गरीब जरूर है, लेकिन गरीबी इतना डंक नहीं मारती कि हम दौलत के लालची हो जाएं। अच्छा होता कि तुम दौलत के लालची होते, फिर दौलत कमाने की सोचते, और इस वक्त
गर्दन उठाकर बराबरी की हैसियत से बात करते। माँ, मोहब्बत में अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखी जाती, लेकिन शादी में हैसियत देखी जाती है। मुझे तुम लोगों से 1,00,000 रुपए चाहिए। एक लाख? ये तो दहेज हो गया। तेरे लिए दहेज मांगना होता तो 20,00,000 रुपए मांगती और तिजोरी के मुंह खुल जाते। तुम चुप क्यों हो गए? याद रखो अमर, 2 दिन के अंदर अगर 1,00,000 रुपए नहीं मिले तो इस बंगले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। ठीक है, मैं आपकी मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा। भाई, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें 2 साल के लिए दुबई जाना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। आप 2 साल की बात कर रहे हैं, जबकि मैं तो जिंदगी भर के लिए बिकने को तैयार हूँ। भाई मेरा, पहले तो तुम घर छोड़ने को भी तैयार नहीं थे। कोई भी राम कहानी बिना बनवास की पूरी नहीं होती। मुझे 1,00,000 रुपए कब मिलेंगे? कल आके ले जाओ मिया, एग्रीमेंट तैयार रहेगा, तुम उस पर साइन कर देना बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तमकू वाला पान खाओगे? जी नहीं, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटे। आदाब। एक मिनट, एक मिनट। अच्छे बच्चे एक सांस में इतने सवाल नहीं पूछा करते, राइट? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हमें अंडरवर्ल्ड के किंग रॉकी और हमारे राइट हैंड मिस्टर जॉन, दूसरा जवाब हमें तुम्हारी जरूरत है, और तीसरा तुम हमारे लिए काम करोगे। और मिस्टर रॉकी, अमर ने हमेशा अपनी माँ का हुक्म माना है, अब तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जो अमर को हुक्म दे सके। वेल सेड अमर, वेरी वेल सेड, आई लाइक इट। जॉन, विनोद को खत्म कर दो। विनोद? हाँ, तुम्हारा भाई विनोद। क्या? वो हमारी कैद में है। क्यों? नाम लिया और आवाज बदल गई। अपने भाई से मिलना चाहोगे? जॉन, कोई तो नहीं काम करो, भाई को भाई वादो। ले जाओ इसे। भैया, भैया, अमर, अमर तुम? हाँ भैया। ये क्या हालत बना दी है तुम्हारी इन लोगों ने? ये सब मेरे कर्मों का फल है अमर भैया। माँ कैसी है? अच्छी है। और शीला? वो भी अच्छी है। तुम यहाँ आए कैसे? सब कुछ बताता हूँ। जॉन, सिंगापुर से मिस बटरफ्लाई कब आ रही है? कल मॉर्निंग फ्लाइट से। होटल सिटीजन ने इसके लिए स्विच भी बुक कर दिया। गुड सर। ये मिस लिली को कहाँ भेजा जा रहा है? जहाँ एक दिन सभी को जाना है। क्यों, उसे कोई गद्दारी थी? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जॉन, हमारे धंधे में आदमी बहुत जल्द होशियार हो जाता है। वो बातें जो उसे नहीं जाननी चाहिए उन्हें जानने की कोशिश करता है, इसलिए मैं 6 महीने के बाद अपने हर आदमी का ट्रांसफर कर देता हूँ इधर से उधर, और यही हमारी कामयाबी का राज है, टॉप सीक्रेट। मैं तैयार हूं, काम बताइए। यह मेरा सीक्रेट नंबर है, इसे अच्छी तरह अपने दिमाग के कंप्यूटर में फिक्स कर लो। सिक्स फोर एट वन फाइव फोर फाइव। गुड,
कल सुबह 10 बजे सी रॉक होटल के सामने वाले बूथ से हमें फोन करना। काम तुम्हें बता दिया जाएगा। हमारी बहन में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे? भैया खुलेआम ना सही, पर दूसरे किसी रूप में लोग दहेज तो लेते ही है ना। फिर शीला राम को चाहती भी है, बहन का घर बसाने के लिए 1,00,000 रुपए तो कमी है ना भैया। लेकिन अमर तुम। भैया जो होना था सो हो गया, अब आप लोग धूमधाम से शीला बहन की शादी कर दो। आप लोग? क्या तुम नहीं होगे वहां? भैया मैं विनोद भैया को उन गुंडों के चंगुल से छुड़ाने जा रहा हूँ, शायद अगर मैं ना लौट पाऊं तो। नहीं अमर, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज। अमर विनोद सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी भाई है, और तुम तो सबसे छोटे हो, छोटा जाएगा तो क्या बड़ा देखता रहेगा? अब एक भाई की तकलीफ हम सबकी तकलीफ है। देखो भाई भाई एक हो गए और मैं रह गया। अरे मैं भी तो तुम्हारा साला भाई हूं, तुम्हारे बीवी का भाई यानी साला भाई, क्लियर कट। मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हेलो। हेलो अमर, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो, हमें बहुत खुशी हुई। फरमाइए। जरा बूथ के बाहर देखो गाड़ी में कौन बैठा है। जाना? जॉन है सर। उसके साथ पुराने ब्रिज पे पहुंच जाना, वो तुम्हें पिस्टल देगा, पिस्टल लेकर जॉन को खत्म कर देना। पीछे मेरे आदमी होंगे, उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाना। लेकिन सर ये मैं जानता हूं कि तुमने पहले कभी खून नहीं किया है, लेकिन यह तुम्हारा पहला टेस्ट है। ऑल द बेस्ट। हाँ सर, समझ गया सर, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा सर। हाँ हाँ, पुरानी ब्रिज पर पहुंचकर उससे मिलूंगा और आपका काम होते ही आपको फोन करूंगा। ओके सर, बाय बाय। हाँ मिस्टर जॉन, आगे क्या प्रोग्राम है? तुम बहुत चालाक हो अमर, लेकिन मेरी नजरें भी बहुत तेज हैं। तुमने बॉस का साउंड रिकॉर्ड किया और ये साउंड तुम पुलिस को दोगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक मिनट जॉन, एक मिनट, मुझे खत्म करने से पहले सुन तो लो कि बॉस ने क्या कहा है। प्लीज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। ठीक है सुना, लेकिन कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। जरा बूथ के बाहर देखो गाड़ी में कौन बैठा है। जॉन है सर, उसके साथ पुराने ब्रिज पे पहुंच जाना, वो तुम्हें पिस्टल देगा, पिस्टल लेकर जॉन को खत्म कर देना। 6 महीने के बाद अपने हर आदमी का ट्रांसफर कर देता हूं, इधर से उधर। क्या सोचना है? कुछ नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम गाड़ी चलाओ, मैं सब समझाता हूं। जॉन, मैं अपने भाई को रॉकी के चंगुल से छुड़ाना चाहता हूं, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर बचा भी सकता हूं। मुझे मंजूर है। तो फिर सुनो, रॉकी के कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं, ब्रिज पर पहुंचकर मैं तुम्हें गोली मारने का नाटक करूंगा और उनकी गाड़ी में बैठकर निकल जाऊंगा। मेरे साथी वहां आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना, बाकी की बातें वही होंगी, समझे? ओके। John.
सुनो, हम लोग अमर के आदमी हैं। वो सब चले गए? हाँ चले गए, अब जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। कम ऑन। जैसे कि जॉन ने हमें बताया कि सिंगापुर से एक डांसर और उसके दो साथी होटल सिटीजन में ठहरे हुए हैं, जो खास रॉकी के लिए शो करने आए हैं। हम उन्हें उनके कमरे में बंद कर देंगे। ये। यस लो, यस कह रही है। ए तू कौन है? व्हाट नॉनसेंस, हम कैसा लगता है मैन? असली बटर। हाँ? क्या बोलते हैं? असली बटरफ्लाई फ्रॉम कोल्हापुर। थैंक यू। लगता है वो लोग आ गए। यस। क्या तुम ही मिस बटरफ्लाई हो? नहीं तो हम तुमको मधुमक्खी लगता है। कहीं को पूछा? ऐसे ही पूछा। चलो तुम लोगों को बॉस ने बुलाया है, शो का वक्त हो गया। शोका, तुम लोग जाके लॉबी में वेट करो, हम रेडी होकर आता है। जाओ भागो। या या या
दिल का जीना किया है। हमने भी कसम ली है हम उस दमगर का, कर देंगे किस्सा तमाम। असम्बली है हम उस सितमगर का, कर देंगे किस्सा तमाम। हद से गुजर जाए ऐसा कुछ कर जाए, हमको करे लोग याद। जो करने आई है वो करके जाएगी, ये है कयामत की रात। Wonderful, Miss Butterfly. तुम्हारा प्रोग्राम देखकर हम बहुत खुश हुए। हम आप तीनों को इनाम देना चाहते हैं। मैं तो समझता था कि सिर्फ मेरा ही बाप इस दुनिया में कंजूस है, लेकिन ये तो मेरे बाप का बाप निकला। हमारा डांस देखा, खुश हुआ, इनाम देने के लिए यहाँ बुलाया और पकड़ लिया। ये तो अंदर बैठकर हमें अंदर बिठाने का प्रोग्राम बना रहा है। सुने क्या रहा है? खामोश। तुम्हें पता नहीं कि रॉकी की आंखों में एक्सरे मशीन फिट है जो इस दीवार के उस पार भी देख सकती है। तुम समझते हो कि ये नकली दाढ़ी मुछ लगाकर रॉकी को फांस लोगे? जॉन कहां है? उसे तो मैंने गोली मार दी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे पिल्ले रॉकी के इशारों पर नाचते फिरते हैं। वैसे जॉन ने हम तक पहुंचने का अच्छा तरीका बताया, बटरफ्लाई। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो जॉन को हमारे हवाले कर दो, वरना। विनोद भैया। नहीं ना, अब तो बहुत मुश्किल हो गया विनोद। पहले तुम सिर्फ अकेले थे, अब ये अकलमंद अपनी महबूबा साले को भी साथ लेकर आ गया। चार जिंदगियां दांव पर लगी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी जिंदगी का खात्मा करूंगा। रॉकी, विनोद को छोड़ दे और उसके बदले में मुझे मार डाल। क्यों इतनी जल्दी घबरा गए? किसकी जान कितनी कीमती है इसका पता रॉकी को है, इसीलिए अब तक तुम लोग जिंदा हो। चलो एक सौदा करते हैं, मैं तुम चारों को रिहा कर देता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे जॉन का पता बता दो। ठीक है, मैं बताता हूं। नहीं अमर, ऐसा मत करना। जॉन हमारी जिंदगी की गारंटी है। अगर तुमने इसे जॉन का पता बता दिया तो यह हम सबको खत्म कर देगा। ठीक है, तो एक एक करके अपना अंजाम देखो। जॉन हाजिर है सर। लेकिन अब की बार जॉन की जान का सौदा बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। Thank you.
अरे चलो चलो अंदर। इन्हें यहाँ क्यों लेकर आया है? इनसे कह रहे कि यहाँ से चले जाए, मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती। हम भटक गए थे माँ, दौलत की चकाचौंध में मेरी आंखें माँ की ममता को नहीं पहचान सकी। सिख जी के घर धमाल होकर गिरवी हो गया था, पर गिरवी रखी हुई चीज की इस दुनिया के बाजार में कोई कीमत नहीं होती। मैं भूल गया था कि माँ के छत्र छाया में जो सुख है वो सोने की जंजीरों की कैद में कभी नहीं है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। कसूर सारा मेरा ही था माँ जी, मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद मायका पराया हो जाता है और ससुराल ही लड़की का घर बन जाता है और सास माँ बन जाती है, और माँ की इज्जत करना हर बेटी का फर्ज है। मगर मैंने तो आपको सास ही समझा और सास समझकर मेरे मंडप में आके बेइज्जती कर दी। मगर आप तो माँ है, माँ अपने भूले भटके बच्चों को माफ कर देती है। माँ जी हमें भी माफ कर दीजिए। अमर इन्हें कह दे मेरे पांव छोड़ दे। कैसे कह दूं माँ, सुना है माँ के पांव तले जन्नत होती है, और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को ठुकरा कर उनके लिए कभी जन्नत के दरवाजे बंद नहीं करती। अमर अपना प्यार भरा हाथ इनके सर पर रख दो माँ, और इन्हें अपनी शरण में ले लो। मेरे बच्चे माँ जी अरे अमर तू तो आशा को लेकर कहाँ चला गया था, या उसके पिताजी उसका इंतजार करते करते न जाने कहाँ चले गए हैं? भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं तो बाहर बैठा भगवान के नाम की माला जप रहा था। डैडी आप और ये माला? अरे आशा बेटी अपने पापा का प्रायश्चित करने के लिए सेठ जी भगवान की माला जप रहे हैं। अरे तुम चुप करो नी चंचल दास, कितना बोल रहा है। अरे आप लोग ऐसे मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ओहो समझ गया बहन जी, मैं एक शेर सुनाता हूँ। फक्र इसमें क्या कि जमाने ने बदला है तुम्हें, अरे मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। कैसा लगा शेर बेटा? बहुत ही अच्छा। अरे अमर तूने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, तू आशा को लेकर कहाँ गया था? माँ अगले हफ्ते शीला बहन की शादी है, इसलिए आशा को साथ लेकर भैया भाभी को मना के घर वापस लाने गया था। ठीक है, अच्छा किया। सेठ जी चाहते हैं कि शीला की शादी के साथ साथ तेरी और आशा की भी शादी हो जाए। या, एक साथ दो दो शादियाँ, एक शादी में शीला बेटी इस घर से बाहर जाएगी और दूसरी शादी में आशा बेटी इस घर में बहू बनकर आएगी। हिसाब किताब बराबर क्लियर कट। लेकिन माँ ये कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, मैंने तो सेठ जी को हाँ कर दी है। भाई मियाँ अमर तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे भाई फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं गाड़ी लेके आऊँ, जल्दी करो। फ्लाइट? कैसी फ्लाइट? कमाल है, अमर ने आपको कुछ नहीं बताया, ये 2 साल के लिए दुबई जा रहा है, ये देखिए एग्रीमेंट। क्या ये नहीं हो सकता, अगले हफ्ते इसकी शादी है और शादी के बाद ये यही रहेगा मेरे पास। कोई बात नहीं है बहन जी, लेकिन मैंने जो इसे 1,00,000 रुपया दिया था उसका क्या होगा? 1,00,000? कैसा 1,00,000? बहन जी अमर को अपनी बहन की शादी के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए इसने 2 साल के लिए दुबई जाने का ये एग्रीमेंट किया था। अब अगर आपको नहीं भेजना है तो 1,00,000 रुपए वापस दे दीजिए। अमर दूसरा कोई रास्ता नहीं था माँ। अरे बहन जी चिंता की क्या बात है, लाल भाई अभी जिंदा है, मैं आपको अभी 1,00,000 रुपए का बेड़ चेक काट के देता हूँ, क्लियर कट। नहीं सेठ जी मैं आपसे रुपये नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं लेंगी, मेरी बेटी की भी तो जिंदगी का सवाल है। नहीं डैडी आप इनको नहीं जानते, ये आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैं अमर के लिए 2 साल तो क्या जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। अरे यार व्हाट नॉनसेंस। अमर अमर तू यहाँ क्यों आया है? माँ अदालत ने मुझे रिहा कर दिया है, वैसे मैं आपको मुंह दिखाने के लायक तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अमर भैया की अमानत देने आया था। अमानत? कैसी अमानत? अमर ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है, जिस रॉकी नाम के बदमाश की कैद में मैं था उसके साथियों को माल समेत पुलिस ने पकड़वा दिया है। ये 10,00,000 रुपए का चेक पुलिस ने इनाम और कमीशन के तौर पर अमर भैया को दिया है। झूठी, फरेबी,
बताए तो अपने आप को। मुझसे पूछे बिना लाख रुपए का दहेज देना मंजूर करेगा? फिर उस लाख रुपए के लिए 2 साल के लिए दुबई जाएगा? हा? मुझे कहेगा भैया और भाभी को मनाने गया था और फिर खुद गुंडों के साथ मारा मारी करके अपनी जान जोखिम में डालेगा? क्यों क्यों चुप है आप? ये कैसा बेटा ले आए हैं आप? क्या अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं करता? जो कुछ भी करता है सब दूसरों के लिए, सब दूसरों के लिए। दूसरा कौन है इस घर में माँ? तुम दूसरे हो या अशोक भैया? भाभी दूसरे हैं, विनोद भैया दूसरे हैं या शीला बहन? तुम सभी तो मेरे अपने हो ना माँ। तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ अरे जंजल लाश क्यों उछलता रहता है? सीधी तरह खड़ा रहे, सीधी तरह खड़ा रहे। बहन जी ये लीजिए। ये क्या है? ये 1 लाख रुपए हैं। अरे पर आप इसे वापस क्यों कर रही हैं? मेरे बेटे राम की ये शर्त है कि जब तक मैं दहेज के 1 लाख रुपए वापस नहीं करूंगी वो बहू को घर नहीं लाएगा। शारदा बहन मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि राम ने आपको सही रास्ते पर चलने की राह बताई और दहेज के पाप से बचा लिया। अरे चंचल दास, ये दुर्गा देवी ने शारदा देवी के हाथ में क्या दिया? वो 1 लाख रुपए दहेज के वापस कर दिया। अरे 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 बड़ी बेवकूफ औरत है, मैं होता तो 1 पैसा ना देता। सेठ जी फिर आपने लालच की बात की? अरे चंचल दास अकड़ की बात करा कर, आदमी हूँ, बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। पिताजी अब ये गंगाराम के हाथ में क्या पैकेट है? पिताजी पिताजी। अरे बड़ी इस पैकेट में क्या है? ये तोला राम के बेटे गंगाराम का बेटा राजा राम। अरे तो शॉर्टकट में बोल मेरा पोता है, शब्दों में भी खर्चा करता है। शब्दों में भी हिसाब किताब करते हैं पिताजी। यार पिताजी मुंह दिखाई करेंगे या नहीं पिताजी? अरे मुंह दिखाई क्यों नहीं करूंगा, सारे जमाने के सामने करूंगा। ये लो तुमने पोते की मुंह दिखाई है, ये लो। पिताजी ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे शोभा जरा चुटकी तो लेना। ये कोई चुटकी लेने का तरीका हुआ? मैंने ऐसे लेने को बोला था इतनी जोर से कहीं चमड़ी उधड़ जाती तो। अरे गंगाराम क्या हो गया बड़ी? पिताजी मैं समझा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आज तक हम लोगों के लिए आपकी जेब से कभी 54 नहीं निकली थी और आज पूरा पॉकेट दे दिया। अरे मेरा पोता है, मेरा सारा माल इसका है। कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन। शोभा ज्योतिष की बात सच निकली, बेटे का जन्म होती मैं माला माल और पिताजी अरे बेटा मेरा सब कुछ तेरा है, शोभा बेटी का है और मेरे इस पोते का, अब इसको वापस कर दो। अरे 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 सुन मेरी बात, इतना बड़ा हो गया है गंगाराम, तुझसे पैसे नहीं संभलते तो इस छोटी सी बच्ची से क्या समझेंगे? जब बड़ा हो जाएगा तो मैं दे दूंगा चंचल दास इसको ठंडा पिड़ा कराओ। बेटा होकर बाप को उल्लू बनाता है, सारा बाप से मुंह दिखाई मांगता है। अरे आप लोग क्यों हंस रहे हो यार? आदमी हूँ, बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अगली बार आओगे तो बदल गया होऊंगा। अरे प्रॉमिस किया ना बदल गया होऊंगा यार, क्लियर कट।